कुन्तारं रामो सिद्धारं रामो आयरियारं रामो वच्छायारं रामो लोए सवसाहुरं रामो लोए सवसाहुरं। हम सभी प्राकृत प्रकाश ग्रंथ के अंतर्गत धातु विभक्तियों के प्रत्यय पढ़ रहे हैं। सिस्टम परिच्छेद में हमने अभी सर्वनामों के विभक्ति प्रत्यय सीखे, उन्हीं के अंतर्गत संख्यावाचक शब्दों की भी रूप बनाना सीखा। कल हमने द्वि, त्रि और चतुर इन संख्याओं के रूप बनाए थे, जो कि हमेशा बहुवचन में ही बनते हैं, जिनका एकवचन नहीं होता है, क्योंकि एक से अधिक है इसलिए। और सूत्र नंबर 59 तक के सूत्रों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब सूत्र है 60 नंबर का, आपके समक्ष लिखा हुआ है, शेषो दंतवत। शेषो यानी जो शेष बचे हैं, जितने सर्वनाम आदि शब्द शेष बचे हैं, या जो संख्यावाचक शब्द गिनतियां शेष बची हैं, उन सब के दंत, दंत मैंने लिखेगा अदंत, अदंतवत, अदंतवत उनके रूप चलेंगे। अदंतवत का तात्पर्य है अकारांत पुल्लिंग के समान उनके रूप चलेंगे, जो हमने पांचवे अध्याय में सीखे थे। अदंत का मतलब है अकारांत, तो कौन से पुल्लिंग वाले, ठीक है, तो अकारांत पुल्लिंग वत चलेंगे। कौन से रूप चलेंगे, जो तो शेष है, इतने विभक्तियों, इतने शब्दों की विभक्तियों के सूत्र हमने पढ़ लिए हैं, उनको छोड़ करके भी कई शब्द ऐसे होंगे इनके बारे में आप सोचते होंगे कि इनका रूप क्या बनेगा, या संख्याएं बची हुई है, अपन सिर्फ दो तीन चार तीन ही संख्या सीखी है, तो पांच के लिए क्या बनेगा, छह के लिए क्या बनेगा, आदि आदि जो भी संख्याएं, उन सबके रूप अदंतवत अर्थात पुल्लिंग अकारांत की भांति बनेंगे, ऐसा उस से सिद्ध हो जाता है। लेकिन साथ साथ में इस सूत्र में कुछ विशेष नियम दिए हुए हैं, इसकी वृत्ति में विशेष नियम है, उन नियमों को हम यहाँ से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये अदंतवत चलने का नियम तो हमने आपको पांचवे अधिकार में भी कहा था कि जो शेष शब्द बचे हैं उनका अकारांत पुल्लिंग के समान ही रूप चलेंगे, और कैसे अपन ने कुछ रूप वहां बनाए भी थे, अग्नि शब्द का, वायु शब्द का, ये इकारांत उकारांत शब्द होते हुए भी इनकी कुछ कुछ विभक्तियां बनाई थी, सारी विभक्तियां नहीं बनाई थी, जो छूटी हुई है उन सब के रूप अकारांत पुल्लिंग के समान ही चलेंगे, वही इसमें विशेष नियम के रूप में वृत्ति में दिए हुए हैं। तो नियम नंबर एक, इसमें कहा गया है कि जिन विभक्तियों का, सभी विभक्तियों का विधान इसमें नहीं किया गया है, जिन विभक्तियों का विधान किया गया है वे विशिष्ट है, और जिनका नहीं किया गया है उनको अदंतवत अर्थात अकारांत पुल्लिंग के समान समझ लेना चाहिए। फिर कहा नियम नंबर एक, जिसमें कहा अकारांत शब्द के समान ही इकारांत उकारांत में भिस विभक्ति का रूप बनता है। इकारांत उकारांत शब्द कौन से थे, अग्नि और वायु पुल्लिंग, तो इनके रूप भी अकारांत के समान ही बनेंगे, यानी वृक्ष के समान रूप चलेंगे। कौन सी विभक्ति में, भिस यानी तृतीय बहुवचन, तो वहां अपन ने तृतीय एक वचन बना ली थी अग्नि और वायु की, लेकिन बहुवचन उनका नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ ये स्पेशल नियम देना पड़ा कि इकारांत उकारांत के इस विभक्ति में रूप अकारांत के समान ही चलेंगे। चलिए अपन बनाते हैं इस विभक्ति को अग्नि और वायु में, और स्त्रीलिंग शब्दों में भी अकारांत पुल्लिंग की भांति चलेंगे। शब्द है पहला अग्नि धन भिस, अग्नि धन भिस, अग्नि का रूप बनाना है अपन को भिस विभक्ति में। अग्नि का प्राकृत क्या बनता है, अग्नि, मालूम है ना कैसे बनेगा, अधो मनियाम से नाता लोप किया, जो शेष बचा उसको 50 से शेषादेश और द्वितीय मनायाम शेषा की बना धन भिस। इस भिस के स्थान पर कौन सा प्रत्यय लगेगा,
इसका क्या है प्रत्यय ही, तो सूत्र क्या है 5y5। ये अज्ञेय बनाने में लगाया था अपन ने 3y2 और 3y50, इसके लिए लगाया 5y5। भिसो ही सूत्र है, 5y5 नंबर का सूत्र है भिसो ही, जिसमें इसका प्रत्यय हो जाता है ही। अक्की में अपन जोड़ेंगे ही, अक्की धन है ही। एक काम और करना है अभी, घी की ई जो है उसको दीर्घ करना है, तो 5y18 नंबर के सूत्र से अपन हमेशा ही दीर्घ करते हैं ई को, रश्मि ई को दीर्घ, तो अक्की इसी में ही जोड़ दे, अक्की ही, अक्की ही। ये इकारण शब्द की विशेष विभक्ति का रूप बना। इसी प्रकार से अपन उकारान शब्द वायु का बनाएंगे, वायु धन भिस, यही सूत्र लगाएंगे। वायु में या का लोप करेंगे 2y2 से, तो वाव ऊ बचेगा, फिर भिसका सूत्र लगेगा 5y5, यही भिसका ही प्रत्यय लगेगा भिषोही सूत्र से, यहाँ क्या लगा देंगे ही। इसको दीर्घ करने के लिए 5y18, जिससे यहाँ ऊ है तो ऊ का दीर्घ ऊ हो जाएगा, रश ऊ का दीर्घ ऊ, तो बाऊ ही। अग्नि का बना अग्नि ही और बाऊ का बना बाऊ ही। ये हो गया इकारा तो कारण शब्द। इसके पश्चात अभी अपने स्त्रीलिंग शब्द भी बचे हैं, उन स्त्रीलिंग शब्दों में सबसे पहले आकारान, फिर ईकारान और फिर ऊकारान शब्द हैं, जिनका अपन को बनाना है विश्वभक्ति। तो आकारान शब्द कौन सा होता है, माला, माला के रूप चलाए थे अपन ने, माला में भी जोड़ेंगे माला धन विष, क्या बनेगा ये माला ही, का ही जोड़, इसका ही जोड़ दिया माला ही, माला में इसके प्रत्यय जोड़ा माला ही। इसी प्रकार से ई का रंग नदी भी, नदी धन विष, विष क्या क्या बनेगा, नदी का क्या बना था नई, और उसमें जोड़ना है अपन को ही, रही ही, रही ही। उसी प्रकार के उकारण प्रत्यय शब्द था वधु, वधु धन विष, बहु ही, बहु ही। इस प्रकार के पहले नियम में यही कहा गया है कि इकारान उकारान पुल्लिंग के शब्द हो या स्त्रीलिंग के आकारान इकारान उकारान शब्द हो, उन सभी के रूप पुल्लिंग के आकारान के समान विश्वभक्ति में चलते हैं। सूत्र से अपन ने किया है, पहले नियम से सिद्ध किया है। अब है नियम नंबर 2। इस नियम नंबर 2 में गस विभक्ति के बारे में बताया है कि इकारान उकारान आदि शब्दों की गस विभक्ति भी अकारान के समान चलेगी। घस यानी सृष्टि एकवचन, सृष्टि एकवचन भी इसी तरह से अकारान के समान चलेगी। तो हम लगाएंगे यहाँ सृष्टि एकवचन, सृष्टि एकवचन में सूत्र लगेगा 5y8 नंबर का, ससो बसहा, ससो गसहा। उस 5y8 से गस का प्रत्यय होता है ससो,
सस, क्या होता है घस का प्रत्यय सस, उस सस को अपन सब में जोड़ देंगे। सबसे पहले अग्नि में जोड़ा घस, घस के स्थान पर सस, ये अग्नि का अग्नि बनाया है अपन, क्रमश बनाया है और अग्नि को तीर करने के बाद में इसमें जोड़ दिया डबल सा अग्निस। So, इसमें दीर्घ नहीं करना, पांचवा अठारहवीं सूत्र इसमें नहीं लगेगा। सीधे अग्नि तत्व में अग्निस, अकारांत की भांति, अकारांत में भी दीर्घ नहीं किया जाता वहां पर। वायु में क्या बनेगा, बाहु में भी अपन गस जोड़ेंगे तो पाउस, माला में गस जोड़ा मालस। यहाँ दो ही रूप बनाए हैं, सिर्फ अकेले इकारान उकारान शब्द ही बनाए हैं, जबकि बना सकते हैं माला नदी और बधु सबके आप बना के देखिएगा, इस तरह में अपने को दो ही बनाया। ठीक है, तो नियम नंबर दो में गस विभक्ति भी अकारांत के समान बनेगी। फिर नियम नंबर तीन है जिसमें कहा कि गसी विभक्ति भी अकारांत के समान बनेगी, इकारांत उकारांत की गसी विभक्ति भी अकारांत के समान भी ही बनेगी। तो अकारांत में गसी यानी पंचमी एक वचन में कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, दो दू ही, ओ भी लगता है या आ भी लगता है, लेकिन अभी उस आ और ओ की चर्चा यहाँ नहीं है, सिर्फ दो दू ही। इसके लिए सूत्र था पांचवा छह नंबर का घसी राधो हया, उस सूत्र से घसी का अपन विभक्ति प्रत्यय जोड़ेंगे पांचवा छह, जिसमें घसी का प्रत्यय है दो दू और ही। यहां अग्नि शब्द में रसी का प्रत्यय जोड़ा, सबसे पहले इसको दीर्घ भी करना है यहाँ पर, यहाँ पांचवा अठारह नंबर का सूत्र भी लगेगा और इस अग्नि को दीर्घ रूप बनेगा, है ना, बाहु में भी दीर्घ करेंगे। यहाँ अग्नि धन रसी, रसी का प्रत्यय तीनों जोड़ देंगे अपन, दो दू और ही। सबसे पहला बनेगा अग्नि दो, दूसरा अग्नि दू, तीसरा अग्नि ही बना। इसी प्रकार से बाहु, बाहु में भी ऊ दीर्घ हो जाएगा और बाहु बाहु दो बाहु दू बाहू की, तीन तीन रूप बनेंगे इकारांत उकारांत शब्द होंगे। चौथा नियम है सुख विभक्ति भी अकारांत के समान ही बनेगी। सुख विभक्ति, सुख के लिए सूत्र क्या है अकारांत में, 5/10 सुपहा सु, सुपहासु 5/10 लगाया, सुख का प्रत्यय सु, यहां सुख लिखा यहां सु जोड़ा, क्या बनेगा अबकी सु, सप्तमी बहुवचन क्या बना अबकी सु। उसी प्रकार से यहां भी सु जोड़ेंगे तो पाहु सु, सप्तमी एक वचन में सप्तमी बहुवचन में बाउसु। ये रूप वहां आपने बनाए नहीं थे, इसलिए यहाँ नियम दे दिए अध्याय के अंत में।
पांचवा अध्याय और छठवा अध्याय दोनों विभक्तियों के प्रत्ययों का अध्याय है। वहां सिर्फ संज्ञाओं के प्रत्यय दिए, विभक्ति बना के दिए, और छठे अध्याय में सर्वनामों के विभक्ति प्रत्यय बनाए हैं। तो वहां पर संज्ञा और सर्वनाम दोनों मिलाकर के दोनों अध्यायों के अपने विभक्तियों के प्रत्यय बताए हैं। इसीलिए वहां अपने ये अग्नि और वायु संज्ञा के रूप में इतने रूप छोड़ दिए थे, इतने अपने सूत्र वहां नहीं आए थे। तो इस अध्याय के अंत में सूत्र कह दिया शेष और दंतवत, यानी शेष अकारांत के समान ही रूप चलेंगे, इसलिए यहाँ ये बनाना बताया। अब इसके पश्चात अगला नियम है पांचवा। ये सूत्र 60 के अंदर ही चल रहे हैं। पांच नियम, पांचवा नियम है संख्या वाचक शब्दों में भी ये नियम समझ लेना चाहिए। संख्या वाचक मतलब कल जो अपने बनाए थे द्वि त्रि चतु, उनमें भी इसी प्रकार रूप बनाना चाहिए। तो वहां भी कल अपन ने द्वितीय बहुवचन तृतीय बहुवचन बनाए थे, तो उनमें द्वितीय का द्वि का बहुवचन और त्रि का बहुवचन, चतुर्थी का चतु का बहुवचन, तृतीय बहुवचन ये अपन ने नहीं बनाए थे, तो यहाँ अपन उनको भी बना करके देखें तीनों संख्याओं तृतीय बहुवचन। सबसे पहली संख्या द्वि, द्वि यानी दो, द्वि धन। तृतीय बहुवचन बनाना है द्विस, द्वि की जगह पे क्या आदेश कर देते हैं बावन नंबर के सूत्र से, पांचवा है बावन से, छवा है बावन से, द्वि के स्थान पर छवा पचास से द्वि के स्थान पर दो आदेश कर देते हैं। छवा पचास नंबर सूत्र से, पचास नहीं चौवन नंबर के सूत्र से द्वि के स्थान पर दो आदेश कर, दो और फाइव बाय फाइव लगाया, उससे ही प्रत्यय जोड़ेंगे विषों ही सूत्र से निष्का ही। क्या बना था अपना दो ही, ठीक है। इसी प्रकार से त्रि में जोड़ेंगे त्रि धन यस, त्रि के स्थान पे क्या आदेश करना होता है ती, कौन से सूत्र से किया था ये अपन ने ती आदेश, पचपन नंबर के सूत्र से, छह माय पचपन से त्रि के स्थान पर ती, लेकिन यहां हमें दीर्घ चाहिए, फिर सूत्र लगाया था पांचवा है अठारह, तो ई का दीर्घ ई करेंगे, इसको दीर्घ ई किया और इसमें ही जोड़ दिया ती ही। फिर चतु में जोड़ा चतु धन मिस, चतु का चौ बचा ता का लोप हो गया दो बाय दो से, धन चौ में भी ऊ दीर्घ करेंगे पांचवा है अठारह नंबर के सूत्र से ऊ को दीर्घ ऊ किया और उसमें ही जोड़ दिया चौ ही। इस प्रकार से संख्यावाचक शब्द भी पुल्लिंगवत बने हैं। अगला सूत्र देखेंगे इकसठ नंबर का, सूत्र है ना गी गस्यो रे दोतौ, ना गी गस्यो रे दोतौ, ये सूत्र क्या कह रहा है गी और गसी विभक्ति में जहां अदंतवत किया था अपन ने उनमें ए और आ नहीं होता, पुल्लिंग शब्दों के अकारांत शब्दों में हम घी और दसी विभक्ति में आ के स्थान पर ए कर देते, पांचवा बारह नंबर के सूत्र से आ के स्थान पर ए कर देते,
लेकिन इन शब्दों में, किन शब्दों में, इकारांत उकारांत शब्दों में, ये विशेष हो गया, इकारांत उकारांत शब्दों में और स्त्रीलिंग शब्दों में ए के स्थान पर आकार आ नहीं होगा। जो अपन ने पांच नियम अभी समझे थे उनमें तो क्या किया है, जैसा था अकारांत शब्द का वैसा ही के वैसा रख दिया, लेकिन अब विशेष किसमें आ रहा है, जी और दसी, जी यानी सप्तमी एक वचन और वसी यानी पंचमी एक वचन, इन दोनों विभक्तियों में आ का ए नहीं करेंगे। जैसे कि अभी हमने बताया था कि पांचवा छह से पंचमी एक वचन के प्रत्यय थे आ दो दू और ही, लेकिन हमने यहाँ पर तीन ही लगाए थे, दो दू और ही आ छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था, क्योंकि इस सूत्र में क्या कह रहे हैं, घसी के स्थान पर आ नहीं होगा, सूत्र नंबर 61 के कारण से उसको वहां छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें उसका निषेध किया है। फिर घी में कौन कौन से प्रत्यय होते थे, तो गे नेमी सूत्र से 5/11 नंबर के, 5/9 नंबर के सूत्र से गे रेमी सप्तमी एक वचन में ए और एमी प्रत्यय होते थे। तो यहाँ ये 61 नंबर का सूत्र कह रहा है कि घी में भी ये नहीं होगा, घी में ए नहीं होगा, तो फिर कौन सा बचा, एमी प्रत्यय प्रत्यय बचा, वही अकेला जुड़ेगा। जोड़िए अग्नि शब्द में सबसे पहले अपन जोड़ते हैं घी, अग्नि में जोड़ा घी, घी यानी सप्तमी एक वचन, इसका बनाया अग्नि तीर वाले बनेगा, ठीक है, अग्नि इसमें रश अग्नि धन घी का कौन सा प्रत्यय है, लवन वाला मी है ना, इसका सूत्र है 5/9 जिसमें घी का प्रत्यय किया है, गे रेमी में दो प्रत्यय आते हैं ए और मी, लेकिन ए का निषेध हो गया है इससे, इसलिए अकेला यही जुड़ेगा, तो शब्द बनेगा अब गिम्मी। इस तरह से वायु में जोड़ेंगे तो बाउमी क्या बनेगा, बाउमी डायरेक्ट बना दिया, अब तो अपन बनाना सीख गए ना, इसलिए बाउमी यहाँ भी ए का निषेध है। इसी प्रकार से अब घसी विभक्ति में देखें अपन, अब की धन घसी अग्नि धन घसी, अब यहाँ पर अग्नि दीर्घ होता है, पंचमी में तो हमेशा ही दीर्घ होता है, और यहाँ अपन ने क्या जोड़ा था, दो दू और ही, उसके अलावा बचा क्या था, आ बचा है, तो आ का निषेध किया है, तो यहाँ पर दो दू और ही जोड़ करके अपन पूर्व में भी बनाई चुके हैं, अब की दो अब की दू और अग्गी ही, अब अग्गी ओ क्यों अग्गिया क्यों नहीं बनाया, समझ में आया ना, 61 नंबर के सूत्र में उसका निषेध किया। फिर इसी तरह से बाऊ दो बाऊ दू और बाऊ ही, इस ही में बिंदी नहीं होती है, ये पंचमी की जो ही है इसमें बिंदी नहीं है, लेकिन जो अपन ने अभी भीष्म विभक्ति बनाई थी तृतीय बहुवचन में उसमें ही के ऊपर बिंदी होती है। इस प्रकार से ये 61 नंबर का सूत्र आपका कम्प्लीट है। आगे सूत्र आता है 62 नंबर का, सूत्र कहता है ए भसी ए भसी यानी भस विभक्ति में क्या हो जाएगा, ए ए भी नहीं होता है, नहीं शब्द कहां से लगा दिया, तो ऊपर की वृत्ति से लगाएंगे, ऊपर वाले में निषेध किया था कि दोनों सूत्र निषेधात्मक हैं, है ना, तो ए भी नहीं होता किसमें, भैंसी में, भैंसी में भी अपन ए कर देते थे ना, जैसे
वृक्ष था तो बच्चे ही, ऐसी में तो बच्चे ही तो हे कर दिया यानी मतलब ए लगा दिया उसमें, तो उसमें ए नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसका अपन इकारण तो कारण शब्दों का बनाते हैं अग्नि का, या बच्चे हिंदो कर दिया था, बच्चे सुन तो बच्चे कर दिया था, छा पर एक ही मात्रा लगा दिया था, तो यहाँ उसका निषेध किया है कि भस विभक्ति में ए नहीं होगा, यानी अकेला आ रहेगा। जैसे ये अग्नि है तो अग्नि शब्द में अग्नि हिंदो बन जाएगा, वायु हिंदो बन जाएगा। बनाएंगे अपन अग्नि धन भस, इसमें कैसा होगा आपकी ह्रस्व, क्योंकि ये बहुवचन है, एक वचन में पंचमी बहुवचन में ह्रस्व होती है, पंचमी बहुवचन में अग्नि शब्द दीर्घ हो जाता है, प्लस हिंतो और सुनतो दो प्रत्यय होते हैं इसके, सूत्र कौन सा है इसके लिए हिंतो सुनतो के लिए 5/11 नंबर का, व्यसो हिंतो सुनतो सूत्र है, व्यसो हिंतो सुनतो, इस सूत्र से यहाँ पर हिंतो सुनतो लगाया, अग्नि में जोड़ दिया अग्नि हिंतो, अग्नि सुनतो, अन्य इस तरह से बाहु में जोड़ेंगे तो बाहु हिंतो, बाहु सुनतो, जिसका निषेध किया गया है वो सूत्र यहाँ अपन को अलग से बता दिए। अब अगला सूत्र जो है वो कह रहा है द्विवचनस्य बहुलम, यानी द्विवचन भी द्विवचन बहुवचन के समान बनते हैं। यहाँ प्राकृत भाषा में तो हमने आपको पूर्व में ही बताया था दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन, संस्कृत भाषा में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ ये सूत्र कह रहा है द्विवचनस्य बहुलम, 63 नंबर का सूत्र है, जो कहता है कि संस्कृत भाषा के समान इसमें द्विवचन नहीं होता है, बहुवचनम यानी जो दूसरा वचन होगा वो बहुवचन होगा, पहला वचन तो एक वचन ही होगा लेकिन दूसरा वचन बहुवचन होगा, यानी द्विवचन का अभाव रहेगा। ठीक है, सूत्र लिखते अपन, द्विवचनस्य बहुवचन, द्विवचन ही बहुवचन होता है, द्विवचन के स्थान पर सीधे बहुवचन होता है। ठीक है, सरल है। अगला 64 नंबर का सूत्र, लास्ट सूत्र इस अध्याय का, चतुर्थ्या षष्ठी, चतुर्थ्या षष्ठी, चतुर्थी का अभाव है उसके स्थान पर षष्ठी होती है, चतुर्थी के स्थान पर क्या हो जाती है षष्ठी, जिसका अभाव है उसके स्थान पर जो हो जाता है वो इन सूत्रों में कह दिया। ये चारों सूत्र निषेधात्मक सूत्र है, यहाँ इस सूत्र में घी बस विभक्ति में आ और ए होने का निषेध किया था, 62 नंबर के सूत्र में ए होने भस विभक्ति में ए का निषेध किया था, और यहाँ द्विवचन का अभाव है कि द्विवचन के स्थान पर बहुवचन होगा, चतुर्थी का अभाव है कि चतुर्थी के स्थान पर सृष्टि होगी। तो समस्त रूपों में जहां जहां अपन ने चतुर्थी नहीं बनाई है उसके स्थान पर जो सृष्टि बनाई है वही रूप बन जाए, क्योंकि वह संस्कृत के समान बनेगा, संस्कृत की जो सृष्टि विभक्ति है वैसी ही यहाँ प्राकृत में जो सृष्टि बनाई है उस चतुर्थी के स्थान पर बनेगी, यानी प्राकृत में स्वयं की चतुर्थी विभक्ति नहीं है, सृष्टि रूप को ही चतुर्थी का स्थान प्राप्त है, इसीलिए रमोकार मंत्र जो है वो कौन सी विभक्ति में है, चतुर्थी विभक्ति में। तो चतुर्थी विभक्ति कब लगती है,
जब किसी को नमस्कार किया जाए, नमस्कारात्मक शब्दों में चतुर्थी का यूज किया जाता है। तो जहाँ नमस्कारात्मक शब्द है, प्राकृत मध्य चतुर्थी होती नहीं है, तो क्या करें फिर, वहां क्या मनाएंगे? तो इसलिए वहां जो सृष्टि का रूप है उसे चतुर्थी के रूप में प्रयोग करके वहां मनाया जाता है। जैसे नमो अरिहंताणम, तो अरिहंताणम, अरिहंत शब्द में आणम प्रत्यय जुड़ा है जो की सृष्टि का है, सृष्टि बहुवचन का, वो अरिहंत में जोड़ के अरिहंताणम शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से सिद्ध में भी आणम जुड़ा है, सभी समस्त पदों में आणम शब्द जोड़ा है, यानी कि आणम सृष्टि बहुवचन का प्रत्यय जुड़ा हुआ है। नमो सिद्धाणम, आयरियाणम, उवच्छायाणम, लोए सव साहूढ़म, इसमें ये साहूढ़म जो है उकारांत है, उकारांत में आणम नहीं जुड़ेगा, उकारांत में णम जुड़ेगा, ऊढ़म जुड़ेगा, ऊ दीर्घ हो जाएगा उणम, इसलिए साहूढ़म बना। और शेष चार पद आकारांत अकारांत है, इसलिए उनमें आणम जुड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना छठा अध्याय जो था सृष्टम परिच्छेद, ये संपन्न हुआ।